दोस्तों, आज मैं आपको सिलबट्टे से जुड़ी हुई कुछ बातें बताऊंगी जिसे आप कभी जानते नहीं होंगे। आप जानकर चौंक जाएंगे कि सिलबट्टे पर कुछ भी पीसना इतना हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया दुबे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी की रसोई में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि पुराने ज़माने में सिलबट्टे का ही प्रयोग किया जाता है किसी मसाले या चटनी या दाल पीसने के लिए। अब आजकल तो मशीन चल गई है, मिक्सर मशीन द्वारा सब कुछ पीस लिया जाता है आसानी से, लेकिन सिलबट्टे पर पीसना बहुत ही फायदेमंद होता था। अब आजकल जितना ज़्यादा लोग काम करना नहीं चाह रहे हैं उतना ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, तो इसलिए आप काम करते रहिए और स्वस्थ रहिए। तो दोस्तों, चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। घर में जांत, काड़ी और सिलबट्टा, चकरी ये सब होना जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि इन सब से लक्ष्मी का वास होता है। इन सब के रहने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, तो ऐसा लोग मानते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या फायदे होते हैं। यदि आप सिलबट्टे में पिसी हुई दाल या फिर चटनी का सेवन करते हैं तो शरीर को अंदर से ताकत मिलती है। अंदर से शरीर बहुत ही तेज़ी से मजबूत होता है। पुराने समय के लोग इसलिए सिलबट्टे से चटनी या मसाले को पीसकर खाया करते थे, वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता था। अब आजकल जो है मशीन द्वारा पीसा जा रहा है, तो इससे ज़्यादातर लोग बीमार हो रहे हैं। सिलबट्टे का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। सिलबट्टा आपके मोटापे को भी कम कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसमें किसी चीज़ को पीसते हो तब यह एक तरह से आपको व्यायाम करवाता है, और इसका असर ये होता है कि आपकी चर्बी धीरे धीरे घटने लगती है और आप आसानी से पतले होने लगते हैं। तो पतला होने का उपाय भी सिलबट्टा है। सिलबट्टा को जब आप चलाएंगे तो आपका एक अच्छा एक्सरसाइज होगा। इससे आपके पेट की चर्बी, हाथ की चर्बी, पैर की चर्बी, सारी चर्बी आसानी से ख़त्म हो जाएगी और आप मोटापे से जल्द ही छुटकारा पा जाएंगे। जब आप सिलबट्टे पर मसाला पीसते हैं तो मसालों की खुशबू धीरे धीरे फैलती है। खुशबू एक साथ नहीं फैलती है, धीरे धीरे फैलती है मसालों की खुशबू। यह खुशबू आपके नाक के जरिए आपके दिमाग तक पहुंचती है और आपके दिमाग को इन मसालों के स्वाद के प्रति आकर्षित करती है। इस तरह भोजन में आपकी रुचि भी बढ़ती है, जिससे आपकी भूख भी बढ़ती है। सिलबट्टे का पीसा हुआ मसाला जो होता है वो धीरे धीरे खुशबू पैदा करता है और जो कि खाने की तरफ आदमी को मजबूर कर देता है और भूख बढ़ती है और वह बिना भूख के भी दो चार रोटी आसानी से खा सकता है। अक्सर इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की मदद से मसाले पीसने से मसालों के स्वाद बदल जाते हैं। दरअसल इन मशीनों को चलाने से जार में गर्मी पैदा हो जाती है जो मसालों के स्वाद को प्रभावित करती है, जबकि पारंपरिक तरीकों में मसाले नेचुरल हवा के संपर्क में रहते हैं और इसीलिए उनका स्वाद बरकरार रहता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मशीन चलाने पर थोड़ी देर में गर्म हो जाती है जिससे मसालों की खुशबू ख़त्म हो जाती है, और जब सिल पर पीसा जाता है तो वो बहुत ही फायदेमंद होता है, और जो मशीन से पीसा जाता है तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यह टिप्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे इस चैनल की अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुँचती रहे। तो इसी भाव से आपसे विदा लेते हैं। आप लोग हेल्थी रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।